अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सास बहू के किचन में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज हमारे किचन में बनने लगी है जी एक स्वीट डिश जिसका नाम है रस्क अलास्का। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रस्क, तो रस्क अलास्का बनाने लगे हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो जी रस्क अलास्का बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हैं जी हमारे पास पापे, यानी कि रस्क, रस के साथ बनेगी, जिनको कोई पूछता नहीं है, कोई खाता नहीं घर में, तो इसके साथ हम बनाने लगे हैं एक मज़ेदार सी स्वीट डिश। तो इसे जो है वो आपका काका भी पसंद करेगा और आपकी सास का काका भी पसंद करेगा, तो ज़रूर बनाइएगा। तो उसके लिए चाहिए जी रस, चाहिए हमें, चाहिए चीनी हसबे ज़रूरत, हमें चाहिए जी कोको पाउडर 1 चम्मच बड़े वाला भर के, ये हमें चाहिए जी 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी का, ये हमें चाहिए जी चॉकलेट चिप बिस्किट्स ये वाले, इसमें एक वनीला वाला होता है वो यूज़ नहीं करना, चॉकलेट वाला यूज़ करना है। साथ हमें चाहिए जी 2 कप्स मिल्क, मैंने जो है वो ये वाला साइज़ यूज़ किया है, जो छोटे से थोड़ा बड़ा साइज़ कप का होता है वो आप यूज़ करेंगे। 1 पैकेट क्रीम है और ये है जी हमारे पास पाइनएप्पल स्लाइसेस गार्निशिंग के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये दूध मैंने जो है वो पैन में डाल के चूल्हे पर रख दिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ भर भर के 2 चम्मच चीनी के। मैं टेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना इसको क्योंकि काफ़ी मीठी चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं। ये चली गई जी चीनी। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कोको पाउडर, साथ में आपने विस्क खिलाना है। कोको पाउडर के साथ हम इसमें अब ऐड करने लगे हैं जी कॉफ़ी और इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें एक उबाला ना आ जाए। ये देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर अब उबाले आ रहे हैं, मैंने हल्का कर दिया था इसको, एक फिर उबाला दिला देते हैं आपको दिखाने के लिए। लेकिन उसे ये होगा तो मेरे ड्राई होना शुरू हो जाएगा, इसको मैं ड्राई नहीं करना। चीनी अच्छे तरीके से इसमें डिजॉल्व हो गई है, कोको पाउडर कॉफ़ी सब कुछ मिक्स हो गया है और इसका चूल्हा अब मैं बंद करने लगी हूँ क्योंकि मिल्क इसका ड्राई हो रहा है, तो इसका चूल्हा अब हम बंद करेंगे। ये देखें जी, इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया है और अब ये जो रस यहाँ पे है ये बहुत गर्म है, एहतियात से ये काम करना है। इसको आपने पकड़ना है, इसके अंदर डिप कर देना है अच्छे तरीके से, डिप करके आप इसको निकालेंगे इसे और इसके अंदर आप इसको किसी डिश में ऐसे जोड़ देंगे। इसी तरह से ये सारे रस हम इसी तरह डिप करेंगे और इसमें जोड़ते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये सारे मैंने रस इसमें डिप करके इसमें लगा दिए हैं। ये चूरा पूरा शूरा सारा कुछ आपने बीच में लगा देना है, ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। और ये जो बाकी का बचेगा हमारे पास, इसको मिक्स करके हम इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। ये देखें जी, सारा आपने इसके अंदर डाल दिया। ये देखें जी, ये अच्छे तरीके से इन्होंने अब्सॉर्ब कर लिया है सारा दूध और ये एक केक फॉर्म सी बन गई है। ये देखें, इसको आपने किया लेवल पे ऐसे। इसके बाद आपने क्या करना है, चॉकलेट चिप बिस्किट हाथों से इसको तोड़ के ऐसे बाहर नहीं अंदर डालने हैं ऐसे। ये देखें इस तरह से, इसको बनाते बनाते ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो आप बिस्किट ऐड कर देंगे। अगर आपको लगे कि अभी ये बहुत गर्म है तो आपने बिस्किट ऐड नहीं करने, वरना वो सौगी सौगी से हो जाते हैं। अब जी हमने इसको कर दिया है साइड पे और उतनी देर हम अब अपनी ये जो क्रीम है इसको बीट कर लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर पिसी हुई, क्योंकि चीनी बहुत मोटी थी तो ये मुँह में आएगी, तो मैं इस वजह से पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये आपको पता है थोड़ी थिक होती है, तो मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए, ताकि इसके ऊपर अच्छे तरीके से मैं स्प्रेड कर सकूँ। दूध आपने ठंडा यूज़ करना है। ये देखें जी, क्रीम हमने मिक्स कर ली है और अब बारी आ गई है इसके ऊपर क्रीम ऐड करने की। मैं ज़रा हिसाब से डालूँगी
एकदम से सारी नहीं। अच्छे तरीके से क्रीम मिक्स कर देंगे। ये देखें जिसके ऊपर क्रीम सारी हमने स्प्रेड कर दी है, और आपके पास कोई भी चॉकलेट सॉस है तो उसकी मदद से अब हम इसको गार्निश कर देते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले आते हैं। गर्मी आ गई है और सॉसेस पिघलना शुरू हो गई हैं, नो वरीज। ये देखें अब इसमें हम लोग पाइनएप्पल्स डालेंगे। आई लव पाइनएप्पल्स, तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट ऐड कर दें, स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दें, जो चीज़ आपको पसंद है आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, ये देखें जी हमारा आज का जो है डेजर्ट रेडी हो गया है, रसगुल्ला का। इसको अब हम रखेंगे फ्रीज़र में, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो फ्रीज़र में रखना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने फ्रीज़ नहीं होने देना, कि इसकी क्रीम ऊपर से जमे नहीं बिल्कुल भी। इसको चिल करना है, जमाना नहीं है, ठंडा करके आप लोग खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा, गर्म का कोई मज़ा नहीं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। यू गाइज आर माई फैमिली एंड आई विल मेक एवरीथिंग फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।